गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हिरन है। हम अभी तालाब के पास है पोहरे के, बाय चांस हम जाते जाते यहाँ पर रुक गए थे। भाई के कैमरे में देखिए कितने सारे जानवर है। हेलो एंड वेलकम टू फार्मास्यूटिकल गुरुजी, मैं हूँ डीआरएक्स हारून रशीद सैयद, और दोस्तों मेरे साथ है मेरा भाई रूहान। तो दोस्तों आज ये हमारा सेकंड व्लॉग है, और आज हम लोग जा रहे हैं अमरावती से 25 किलोमीटर दूर एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है जिसका नाम है पोहरा। एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ की खास बात यह है कि उस गांव के पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगल है, और इस जंगल के अंदर एक दरगाह है। और लोगों का कहना है कि वो दरगाह पर बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, जैसे कि चीता वगैरह या फिर मोर। तो दोस्तों आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं, और आज हम लोग हमारा लक ट्राई करेंगे कि क्या हमें वो सीन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वो सीन लोग देख पाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं, तो मेरे साथ में लास्ट तक कर जुड़े रहिए, और मेरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको रोड भी बताने वाला हूँ। और अगर से आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ रोड मिस हो जाए, जिसकी वजह से बाय चांस हो सकता है कि आप लोग रास्ता भटक जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारी बाइक पर और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सफर। तो दोस्तों अभी हम लोग अमरावती से निकल चुके हैं, और सामने आप जो रोड देख रहे हैं हमें इसी रोड से जाना है, यही जाता है पोहरा, और इसको हम लोग बोलते हैं अमरावती चांदूर रेलवे रोड। तो दोस्तों वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप के मत देखना, क्योंकि इस रोड पे बहुत सारे अच्छे खासे सीनरीज है जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर से आप वीडियो स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि एक आधा कोई रास्ता आपसे मिस हो जाए, तो अगर से आप लोग जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर आप रास्ता भटक भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मेरे साथ में बने रहिए, और दोस्तों रोड को इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ से पोहरा बचा हुआ है 1 किलोमीटर, और हम लोग कंटिन्यू उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे जाते हैं, बस 1 किलोमीटर का सफर हमारा बचा है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे पोहरा में। तो दोस्तों आगे जो आप लोग गांव देख रहे हैं यही पोहरा गांव है, और हम लोग यहां पर रुकते हैं और यहां पर थोड़ी सी पूछताछ कर लेते हैं उस दरगाह के बारे में और जंगल के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको बताता हूं आगे की डिटेल्स। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग फाइनली पोहरा सिटी में पहुंच चुके हैं। ये पोहरा का गांव है, और यहां पर आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मेरे एक यहां की जो मेन दरगाह है वो पीछे है, लेकिन वहां पर दरगाह में जाने के बाद में मैंने एक वहां पर फूल वाले हैं उनसे पूछा कि यहां की जो जंगल की दरगाह है वो किस साइड है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहां जंगल के अंदर ये वाली प्रॉपर ये जंगल में नहीं है, वो आगे एक गाँव पड़ता है, क्या नाम है उसका, चिरोली। चिरोली पर जाना है, और चिरोली से आगे हमें दरगाह का रास्ता मिलेगा, तो वहां हमें जाना पड़ेगा। लगभग 5-7 किलोमीटर का रास्ता है उस गाँव का, तो हमें वहां जाना है, और वहां से हमें एक रोड मिलेगा, तो रोड से हमें वो चलते हुए जाना है, तो तब हमें दरगाह मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपको पूरा रास्ता बताने वाला हूँ, और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ में चलते हैं हमारे आगे की जर्नी पे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है पोहरा से निकल चुके हैं और चिरोड़ी जा रहे हैं, और सामने जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं वो पोहरा का है, और बहुत ही बड़े एरिया में वो फैला हुआ है। दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छे सीनरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं कुछ सावधान के, जो कि जंगली जानवरों के हैं। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए और सफर का एंजॉयमेंट कीजिए। दोस्तों ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ये चिरोड़ी गांव का है, और आगे 1 किलोमीटर पर चिरोड़ी गांव हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं चिरोड़ी गांव की तरफ। दोस्तों
हम लोग चिरोड़ी गांव पर रुके थे और वहां पर मैंने कुछ लोगों से पूछा दरगाह का जो मेन एड्रेस है, तो उन्होंने हमें बताया कि आगे जाएंगे आप तो वहां पर एक बासलापुर करके गांव पड़ता है, उसके बिल्कुल अपोजिट में ही तारोड़ा करके एक गांव है छोटा सा, उसके लिए रोड जाता है, तो अभी हमें वहां जाना पड़ेगा। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का वो रास्ता है। तो दोस्तों मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा रास्ता बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं तारोड़ा की तरफ। ये तिरोड़ा रोड है ना? तिरोड़ा तिरोड़ा तरोड़ा, वो जो दरगाह के लिए जाता है, दरगाह के लिए अंदर। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों हमने रास्ते में काका से पूछा कि ये तारोड़ा का रास्ता किस तरफ से है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये वाला जो रोड सीधा जा रहा है ये सीधा तारोड़ा ही जाता है। लेकिन दोस्तों ये रोड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और नैरो है, तो दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर से आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वीडियो के जो है पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे रास्ते हैं, तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाए। लेकिन मैंने ये वीडियो जो है पूरा अच्छे तरीके से बनाया है, तो आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको रास्ते भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीनरीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए। दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हैं कि तारोड़ा के रोड पर ये कि छोटा सा डैम बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ये हमें एक चीज़ की ये भी अंदाज़ा लगा देता है कि हमें तारोड़ा ही जाना है, क्योंकि ये डैम रास्ते में पड़ता है। तो अगर आप लोग आएंगे तो आपको ये भी डैम पड़ेगा रास्ते में। तो दोस्तों यहाँ से ज़रूर देखते ही चलिए सीनरीज को। दोस्तों आगे आपको दिख रहा होगा जंगल का एरिया है थोड़ा सा, तो हमें वहीं पर जाना है जो ग्रीन कलर का आगे दिख रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो आप इतनी अच्छी तरीके से जो सीनरीज को एंजॉय कर रहे हैं, जो शूट किया हुआ है, तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त रूहान पठान को। तो दोस्तों उसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, तो अभी फाइनली हम तरोड़ा गांव में आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ का ये गांव है, और यहाँ पर मैंने जो पीछे मेरे बैठे हुए हैं उनसे पूछा कि यहाँ पर जो दरगाह है वो एक्चुअली में कहाँ है। तो मैं देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए उस साइड में वो जो जंगल आपको पीछे दिख रहा है, शायद यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरा आपको फ्लिप करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों वो जो आगे आपको दिख रही है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है एकदम, वहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ है, उसके बीच में वो दरगाह बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों इसके जाने के लिए बादू से एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो जल्दी फटाफट हम उस साइड से चलते हैं और वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पे। अभी हम लोग दोस्तों जंगल के अंदर जाने वाले हैं और जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो एकदम पूरा कच्चा रास्ता है। तो दोस्तों मेरे साथ में वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इधर का भी रोड बताने वाला हूँ जिस तरह से हमें जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे 2-3 रोड है, लेकिन मैंने वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताया है कि हमें किस तरीके से जाना है। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए।
तो दोस्तों आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद में और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद में और हमारे रुहान भाई ने देखो हाथ पर मार भी खाया है, बता नहीं दिखेगा वो हाथ पर इन्होंने मार भी खाए हैं झाड़ों के, तो फाइनली हम लोग दरगाह पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और अभी मैं आपको यहाँ का अंदर का सीन बताने वाला हूँ, तो अंदर का सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर ये पूरा जंगल है, जंगल का एरिया है, पीछे साइड में पूरा जंगल है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इतने ही एरिया में पूरे बरगद के पेड़ है जो कि इस एरिया को जो है एकदम अट्रैक्शन बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ की और कुछ सीनरीज। तो चलिए गाइस चलते हैं अब यहाँ से आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ की सीनरीज। और आने में थोड़ी दिक्कत हुई, रास्ते में लोग मिले, उन्होंने थोड़ा हमें को कोऑपरेट किया, और कोऑपरेटिव लोग तो है इधर, करते हेल्प। बाकी यहाँ पर एक देखने लायक चीज़ ये है कि यहाँ पर सारा जंगल है, मतलब जो आप पीछे देख रहे हो पूरा जंगल है, लेकिन सिर्फ बरगद के पेड़ जो होते हैं वो सिर्फ इसी जगह पर है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब लोग तो ज़्यादा है नहीं ये, क्योंकि ये जगह काफ़ी अंदर है, तो लोग आते होंगे ज़्यादा, किसी को यहाँ का पता नहीं, क्योंकि हम बाहर भी आए तो हमको प्रॉपरली कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था। अब जहाँ से पता चली वो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बताया, और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हमारे फ्रेंड डॉक्टर DRX हारून रशीद को, नॉट डॉक्टर DRX फार्मासिस्ट। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ के आगे की सीनरीज कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने यहाँ की सीनरीज कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आई होप आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम यहाँ पर, एक पर्सन है उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अंदर जो दरगाह है वो हज़रत कौन है, नाम वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ में। जो है वैसा यहाँ पर हमारे रूहान भाई इनसे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे इन अंकल ने बताया कि यहाँ पर पीर साहब की दरगाह है। अंकल आपका नाम क्या है वैसे? शमाज खान नाम है अंकल का, और ये भी अमरावती में ही रहते हैं। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो ये कंस्ट्रक्शन मतलब काम कर रहे हैं, बना रहा है वो भी अमरावती में रहते। ये जो कुछ जो बना रहे इसको वो भी अमरावती में ही रहते हैं। इसराइल नाम है उनका भी। क्या नाम है? इसराइल खान। अच्छा, तो मतलब ये जो दरगाह है ये पहले एकदम कच्ची थी, इन्होंने बताया कि यहाँ पर टीन वगैरह भी लगे हुए हैं, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी शुरू हुआ है, और इसराइल खान नाम है अमरावती के है वो, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया है। और मेरे तरफ से ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि अंदर दरगाह लोगों को पता नहीं है, और अगर से ऐसा होता था कि ये दरगाह कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता था तो आई थिंक पता भी नहीं चलता था किसी को कि यहाँ पर कोई दरगाह थी। काफी अंदर हाँ, और हम भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। अरबाज भाई ने तो, रोहान भाई ने तो हमारे मार भी खाया थोड़ी सी झाड़ों की। तो दोस्तों एक थम्सअप तो ज़रूर कर लीजिए उनके लिए, और हमारे इसराइल भाई के लिए भी जो दरगाह बना रहे हैं उनके लिए भी एक थम्सअप ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर
कर देना दोस्तों और इंजॉय कीजिए। तो गाइज आप लोगों ने देखा यहाँ के जो सीनरीज है वो मैंने आपको अंदर से भी दरगाह का नज़ारा कराया, तो दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा इस चीज़ को। और अभी हम लोग रवाना होते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी वैसे तो टाइम हुआ है 3 बजे है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ऐसा, क्योंकि जंगल का एरिया, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ होगा और थैंक्स हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए। और इस प्लेस को ज़रूर एक बार विजिट करना और आगे वीडियो में देख लेना, मैंने जो है कुछ पिक्स डाला है मेरे, तो वो कैमरे से खींचे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो वाले पिक्स भी। तो आप भी इस प्लेस पर ज़रूर आइए, विजिट कीजिए यहाँ पर एक बार आके, और यहाँ पर आने के बाद में दरगाह को भी अंदर से ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जंगल के अंदर की प्लेस है और शांति वाला एरिया है, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला एरिया है। तो दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में हमें एक मिलिट्री ऑफिसर मिला जो कि फॉरेस्ट वाला था, तो उससे हम लोग ने पूछे कि यहाँ पर कोई आसपास कोई दूसरी प्लेस है क्या, तो उसने हमें बताया कि यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर जानवर आते हैं। तो आई होप हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर जानवर मिलते हैं या नहीं। देखिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ क्या है। जल्दी ले कैमरा, कैमरा लाइट। एक मिनट कुछ दिखा। गाइस देख सकते हैं आप लोग हमारा यहाँ पर आना, देखिए कितना ज़्यादा काम की बात हो गई। मोर खड़ा है वहाँ पर, मेरे कैमरे में नहीं दिखेगा इसलिए मैं ये आपको DSLR में दिखा रहा हूँ। DSLR की स्क्रीन है ये, रोहन भाई नीचे बैठे हुए हैं और 5x जूम है इसलिए ये शेक हो रहा है। देखिए मैं आपको मोबाइल के कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखेगा लेकिन बहुत दूर है वो। वहाँ पर है, गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हिरन है। हम अभी तालाब के पास है पोहरे के, बाय चांस हम जाते जाते यहाँ पर रुक गए थे। देखिए मेरे कैमरे में नहीं शूट हो रहा है लेकिन ये मेरे रोहन भाई के कैमरे में देखिए कितने सारे जानवर है, इसमें नहीं दिखेगा ये। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ मेरा बेस्ट। देखिए मोर भी है, सच में यार यहाँ पर आज आना हमारा सफल हुआ, क्योंकि हम वापस जा रहे थे लेकिन जाते थे सोचा कि क्यों नहीं पौरे के तालाब पर चले जाए। तो देखिए दोस्तों ये एक बोनस वीडियो हो गया आपके लिए, इसमें नहीं दिख रहे हैं, बैड लक। ये आना ना ना, एक मिनट। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने यार, बाय चांस हम यहाँ पर आए इस तालाब पर और हमें हिरन भी देखने को मिल गया, मोर भी देखने को मिल गया। यार मतलब सच में किस्मत हमारी ऐसी लॉटरी लगा दी थी कभी कभी कि हम घूमते हैं हमें दिन भर कुछ नहीं देखने को मिलता, लेकिन बाद में ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है कि जिससे हमारा पूरा मूड एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। और आप लोगों को भी मैंने दिखाया कि कितने अच्छे जानवर वहाँ पर उस तरफ तालाब के है, आई थिंक इस तरफ भी होंगे लेकिन हमारी आवाज़ की वजह से वो शायद इस साइड में नहीं आ रहे होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ होगा आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों मैं अभी वापस घर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि इधर नेटवर्क भी नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अमरावती में, तब तक करके लिए बाय बाय। तो दोस्तों फाइनली अभी 5 बज चुके हैं और हम दोनों रोहन भाई और मैं अभी घर पर वापस आ चुके हैं। ये जो घर आप पीछे गेट देख रहे हैं ये हमारे रोहन भाई का घर है, मैं इनको यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ और यहाँ से मैं मेरे घर पर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपके आपने आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और लास्ट वाला जो सीन है वो हमें किस्मत से देखने को मिल गया, वो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट ही हो गया ऐसा समझ के चलिए। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ होगा और दोस्तों मेरे साथ में इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए। और अगर से आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपको वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और सब्सक्राइब करने में भी, लेकिन हमें वीडियो बनाने में और एडिट करने में 2 दिन लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके लिए जय हिंद एंड बाय बाय।